साइबर सिटी गुरुग्राम में बीती देर रात अज्ञात बदमाशों ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। दरअसल गुरुग्राम पुलिस को सूचना मिली थी कि बजघेड़ा के पास सेक्टर 114 में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर शव को पास के हाईवे के पास ही फेंक दिया गया है। मौके पर पहुंची गुरुग्राम पुलिस ने जांच में मृतक युवक की पहचान 23 वर्षीय लोकेश के तौर पर की है, जो कि नजफगढ़ के मित्र राव का रहने वाला था। बहरहाल गुड़गांव पुलिस की फॉरेंसिक टीम ने मौके के सभी साक्ष्यों को कब्जे में ले लिया है और जांच शुरू कर दी है। आज सुबह पालम विहार थाने में सूचना मिली थी कि बजघेड़ा मोड़ के पास चौक के पास सेक्टर 114 में एक युवक की लाश पड़ी है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर वहां पर देखा तो एक युवक की लाश वहां थी, जिसकी आसपास बाद में पूछताछ करने पर जिसका पहचान लोकेश पुत्र रणबीर निवासी नजफगढ़ के रूप में हुई। इस युवक के सिर में गहरी चोट लगी हुई है। किस कारण से लगी है, किस चीज़ से लगी है, उसके लिए अभी पोस्टमार्टम हो रहा है। जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बनेगी तो वो वजह भी क्लियर हो जाएगी। इसमें पुलिस मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश अमल में ला रही है। भैया एक दोस्त सुबह दौड़ करने गया था, वहाँ पे देखा कोई आदमी गिरा हुआ था, उन्हें सोचे को दारू पी के पड़ा है। फिर इधर उधर उन्हें पूछा, कोई नहीं बोला भाई हमारा बंदा ये। फिर उसके कागज देख के पता चला ये हमारा मामा का लड़का है। फिर पुलिस आ गई, वो कार्रवाई होगी तो होनी चाहिए। पुलिस ने बोल तो आपको मानते आपसी रंजिश का कोई मामला ऐसे कुछ सामने आया? तो भैया पुलिस ही बताएगी, हम क्या बता सकते हैं। तो कितने बजे की तकरीबन ये हमने सुबह 5 बजे पता चला है। 8 बजे 5 बजे तो वो तो लास्ट 5 बजे पता चली। घर से कितने बजे निकला था? शाम में घर से 8 बजे गायब। 8 बजे रात को 8 बजे गायब था। 8 बजे 8 बजे तक घर पे था। किसी का फोन आया क्या वो तुमको पता नहीं, तो बाद की बात है। पुलिस तस्वीर करेगी, उसके हिसाब से पता चलेगा। लोकेश कितनी उम्र थी तकरीबन? 25 साल।